खरगोन शहर के इस्लामपुरा में कुंदा नदी के तट पर रात के समय 6 घोड़े बांध दिए गए थे। घोड़े के मालिक अब्बू ने बताया कि 6 घोड़े बंधे थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 3 बह गए। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खरगोन से नुशत खान की रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर बारिश ने खरगोन में धमाकेदार वापसी की है। जोरदार बारिश से कुंदा में बाढ़ आ गई। स्थिति यह रही कि रात करीब 3 बजे नवग्रह पुल पर 8 फीट ऊपर पानी भरने लगा है, जिसमें पुल के बीच का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और जोरदार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने कुंदा किनारे बसे लोगों को अलर्ट करते हुए नवग्रह पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। करीब 1.5 माह के इंतजार के बाद हुई बारिश से जहां कुंदा में बाढ़ के हालात हुए, वहीं शहर सहित ग्रामीण अंचलों में जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जगह जलभराव की स्थिति भी बनी रही। देर से ही सही, लेकिन हुई जोरदार बारिश से किसानों सहित आमजन ने राहत की सांस ली। नवग्रह पुल पर बारिश से कुंदा में आई बाढ़ के कारण बहकर आए पेड़, कचड़े आदि को पुल से हटाने का काम शुरू किया गया है। इस दौरान दोनों तरफ आवाजाही बंद करके रखी गई, जिसके चलते कई वाहन दोनों छोरों पर फंसे रहे। करीब 5 वर्षों बाद कुंदा में बाढ़ के हालात बने और नवग्रह पुल के ऊपर से पानी बहकर निकल गया। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट। खरगोन स्थित कुंदा नदी में आई बाढ़ के हालात को देखकर हुए जिला कलेक्टर शशि भूषण सिंह, पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती, एसडीएम अभिषेक गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गौर सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री सिंह ने पुल पर डामरीकरण बनने के निर्देश भी दिए। खरगोन से नौशाद खान की रिपोर्ट।